भारत के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जो अपनी प्रकृति, शांत वातावरण और खूबसूरती के कारण हर साल देश दुनिया के लाखों पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते वर्तमान में पर्यटन तेजी से बढ़ रहे उद्योगों में से एक है और यही कारण है कि प्रतिवर्ष राज्य की आय में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज राज्य में कई ऐसे खूबसूरत जिले मौजूद हैं जहां हर रोज हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। हिमाचल में मौजूद इन सभी जिलों की खास बात ये है कि यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। यहाँ चाहे आप धर्म की दृष्टि से आए हों या फिर एडवेंचर के शौकीन हों, आप हिमाचल में वो सब कर सकते हैं जिसकी कल्पना आपने अक्सर की ही होगी। गौरतलब है कि हिमाचल में जहाँ एक तरफ आप ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग और आइस स्केटिंग जैसी एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये राज्य उनके लिए भी है जिन्हें धर्म में दिलचस्पी है। तो इसी क्रम में हम आज आपको इस वीडियो के जरिए अवगत कराने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में मौजूद टॉप 4 बेपनाह खूबसूरत और धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों से। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खूबसूरत टॉप 4 मंदिरों के बारे में जानने का सिलसिला। तो सबसे पहला बेहद खूबसूरत मंदिर है बैजनाथ मंदिर। 1204 ईस्वी में दो क्षेत्रीय व्यापारियों अहुका और मन्योका द्वारा स्थापित बैजनाथ मंदिर पालमपुर का एक प्रमुख आकर्षण है और ये शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू देवता शिव को समर्पित इस मंदिर की स्थापना के बाद से लगातार इसका निर्माण हो रहा है। मंदिर के बरामदे पर शिलालेख द्वारा मंदिर के निर्माण से पहले हिंदू देवता शिव के अस्तित्व का संकेत मिलता है। मंदिर की वर्तमान वास्तुकला नगर शैली का अच्छा उदाहरण है जो मध्ययुगीन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के रूप में लोकप्रिय है। इस मंदिर के पवित्र स्थान में शिवलिंग का स्वयंभू रूप है जिसके ऊपर एक ऊंचा शिखर है। प्रवेश करने वाला हॉल एक चौकोर मंडप की ओर जाता है जिसमें दो बड़ी बालकनी है। इस मंदिर की बाहरी दीवारें और बाहरी द्वार हर धार्मिक शिलालेखों के अलावा कई देवी देवताओं के चित्र भी उस पर बने हुए हैं। मंडप के सामने 4 छोटे स्तंभों पर बरामदे में नंदी की मूर्ति देखी जा सकती है। नंदी एक बैल है जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है। इसके बाद आता है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर को ज्वाला जी के रूप में भी जाना जाता है जो कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवी ज्वालामुखी को समर्पित है जिनके मुख से अग्नि का प्रवाह होता है। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 6 लपटे हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर सती के कारण बना था। बताया जाता है कि देवी सती की जीभ यहाँ गिरी थी। हिंदू धर्म में देवी सती का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंदिर में अग्नि की लपटे एक पर्वत से निकलती हैं। इसके बाद आता है चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में समुद्र स्तर से ऊपर 940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण और पवित्र शक्तिपीठ है जो हिंदू धर्म की देवी को समर्पित है। मंदिर से हिल स्टेशन भारवेन की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। इस मंदिर को सारस्वत पंडित माईदास द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर का मुख्य आकर्षण एक गर्भगृह और गर्भगृह अंतरतम है जहां देवी की प्रतिमा स्थापित है। इस पत्थर के मंदिर में उत्तर दिशा में कई प्रवेश द्वार है। यहां आकर श्रद्धालु कई देवी देवताओं की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। यहां स्थित देवी की मूर्ति को पिंडी के नाम से जाना जाता है जो सफेद संगमरमर की बनी हुई है। मंदिर के पश्चिमी भाग में हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर परिसर में एक बरगद का वृक्ष है जहां बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है। हर साल यहां 3 बार चिंतपूर्णी मेला लगता है जिन्हें हिंदू महीने के अनुसार चैत्र, सावन और आषाढ़ में लगाया जाता है। नवरात्र के दौरान यहां के माहौल में हलचल रहती है और 9 दिन तक श्रद्धालु दर्शन करने यहां पर आते हैं। इसके बाद आता है हिडिम्बा माता मंदिर। ये मंदिर मनाली में सबसे फेमस जगह है।
ये मंदिर एक गुफा में बना हुआ है जो देवी हिडिंबा को समर्पित है। देवी हिडिंबा हिडिंब की बहन थी। ये मंदिर हिमालय की तलहटी पर स्थित है जिसके आसपास हरियाली है और सिडार के जंगल भी हैं। इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में एक पत्थर से किया गया था। पत्थर को इस प्रकार काटा गया कि उसका आकार गुफा नुमा हो गया। इस पत्थर के अंदर जाकर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं और विशेष पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि राजा ने इस मंदिर को बनवाने के बाद मंदिर बनाने वाले कारीगरों के सीधे हाथों को काट दिया ताकि ये कहीं और ऐसा मंदिर ना बना सके। यहाँ पर होने वाली विशेष पूजा को घोर पूजा के नाम से जाना जाता है। ये पूजा मंदिर में ही आयोजित की जाती है। हर साल 14 मई को मंदिर में देवी जी का जन्मदिन मनाया जाता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।